So hi guys, welcome back again to my channel Crazy Engineer, your Crazy Engineer signing in. So जैसे कि मेरे ब्लॉग का फर्स्ट वीडियो था एंटी थीफ के बारे में, सो मैंने उसमें तो बस अनबॉक्सिंग बताया था और उसमें क्या क्या है वो आपको बताया था, बिल्ड क्वालिटी बताया था. तो मैंने आपको बीच में एक सॉरी का वीडियो भी अपलोड किया था, सॉरी का वीडियो. सो मुझे बहुत से प्रॉब्लम आ रहे थे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जितने भी स्कूटी एक्टिवाज है, डीओ है, मेस्ट्रो है, फसिनो, जितने भी स्कूटी है वो एक तरफ और जुपिटर एक तरफ, क्योंकि उसमें जो फीचर्स है वो सब सेम है और जुपिटर में जो फीचर्स है वो सब सेम है. सो गाइज, आपने देखा ही होगा इतने दिन से मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो होता है. तो जैसे कि वो यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो होता है, फर्स्ट वीडियो मीन्स ऐसा फर्स्ट नहीं, जुपिटर का फर्स्ट वीडियो होता है जो किसी ने नहीं किया होता, फर्स्ट टाइम मैं अपलोड करता हूँ. सो इसमें भी वैसा ही है, आप देख सकते हैं पूरे YouTube पे जुपिटर में एंटी थेफ किसने नहीं लगाया, क्योंकि किसको वो समझता ही नहीं है उसके वायरिंग्स, क्योंकि उसमें इतने वायरिंग दिए, बेवजह के वायरिंग दिए, डबल डबल अर्थिंग के पॉइंट दिए, डबल पावर के पॉइंट दिए, डबल इग्निशन के चार पॉइंट दिए, जिसमें दो पॉइंट होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इग्निशन में चार पॉइंट दिए. सो उसमें क्या दो पॉइंट है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव का फ्लो चालू रहता है और दो है रिवर्स फ्लो, जब हम की ऑन करते हैं तो पॉजिटिव जाके रिवर्स करता है. सो वो है, सो देने की जरूरत नहीं थी पर दिए तो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है. सो आज फाइनली 5 मिनट पहले मैंने वो वीडियो का काम डन कर दिया था. सो अभी 5 मिनट बाद मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, सो मेरे को बोलना था, तो अब हम डायरेक्ट देखते वापस ही. तो YouTube पे जितने भी वीडियोस हैं एंटी थेफ के, तो उसमें उन्होंने आपको सिर्फ इंस्टॉल करके बताया और डायग्राम बताया और कुछ नहीं बताया, या तो किस किस ने ये भी बोला है कि जैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वैसे सब गाड़ी में. सो गाइस ये फुल रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है. सो मैं जो दिखा रहा हूँ ओनली और ओनली जुपिटर के लिए, तो जिनके पास जुपिटर हो वो ही ये करे, वो जिनके पास अलग गाड़ी हो तो आपको अगर इच्छा हो कि आपकी गाड़ी में लगाने के, तो आप यूट्यूब पे एक बार सर्च कर सकते हैं आपकी गाड़ी के नाम के साथ एंटी थेफ इंस्टॉलिंग, सो आपको वहाँ पर मिल गया तो ठीक, और मिलने के बाद भी वो वीडियो सही नहीं है तो आप मुझे बस एक बार कमेंट कीजिए कि मेरे ये गाड़ी का मॉडल है और मुझे भी ये इंस्टॉल करने का, तो मैं स्पेशली अपने हाथों से बना के आपके लिए इसका डायग्राम भेजूंगा, बस आप एक बार मुझे कमेंट कर देना. सो आप इंस्टॉलिंग करेंगे, तो ये है वायर हार्नेस, तो वायर हार्नेस में है एक रेड कलर, एक ब्लैक कलर, एक पिंक कलर, एक ग्रे कलर, दो येलो कलर, एक ऑरेंज और एक ब्लू. सो जुपिटर वाले को बोल रहा हूँ मैं, जिन्हें जुपिटर में इंस्टॉल करने का है, पिंक वायर कोई काम की नहीं है. अगर आप ये पिंक वायर भी किधर भी अटैच भी हो गया तो शॉर्ट हो सकता है, सो पिंक वायर को या तो आप काट के टेप करके, नहीं तो काटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी टेप करके आप हांच के इधर मीन्स इधर रख सकते हो. सो सबसे पहले हमें इसका जो ब्रेन है मेन कंट्रोलर, इसको कोई जगह पे इंस्टॉल कर देना है, मीन्स यहाँ पर डबल टेप लगा के आपको कोई सीक्रेट प्लेस पे इसको हाइड कर देना. सो जुपिटर में आपके फ्यूल टैंक के नीचे काफी अच्छा जगह है, बहुत बड़ा जगह है, सो वहाँ पर आप हम इंस्टॉल कर सकते हैं. तो आपको इंस्टॉल करने से पहले वो जगह को अच्छे से क्लीन कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर डस्ट होगा तो चिपकेगा नहीं. सो पहले हम बिना निकाले हम देख लेते कहाँ फिट हो रहा है. सो यहाँ अच्छे से फिट हो रहा है ये, तो हम यहाँ पर ही फिट कर देंगे. सो अब हम ये स्टिकर निकाल लेते हैं. आपको वन टाइम में अच्छे से टिक कर लेते हैं. सो यहाँ पर ये अच्छे से स्टिक हो गया है, देख सकते हैं आप. सो यहाँ पर खाली हमें बजर का केबल और ये केबल यहाँ पर जॉइंट होगा मेन. सो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी इंस्टॉलिंग. सो हमने मेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर लिया है, सो इसकी इंस्टॉलिंग सेम है. सो आपने देखा मैंने आपको सीट ओपन करने का वीडियो नहीं दिखाया, क्योंकि आपने पहले के वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे सीट ओपन कैसे किया था. पर ये जो नोज है, ये नोज मैंने अभी तक इसके लिए ओपन नहीं किया है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया नहीं था इसके पहले के वीडियोस में कि नोज कैसे ओपन होता है.
सो आज मैं ये नोज ओपन करके दिखाने वाला हूँ और आपको देखना है सीट कैसे ओपन होता है। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे पहले के वीडियो में देख सकते हैं मैंने सीट कैसे खोला था, पर नोज खोलने का मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो में फर्स्ट टाइम। सो नोज खोलने के लिए आपको 10 नंबर के रिंग स्पैनर, ओपन हैंडेड स्पैनर या टी स्पैनर से, तो मैं टी स्पैनर से खोलूंगा। सो पर ये खोलने से पहले देखिए यहाँ पर एक स्क्रू है और यहाँ पर एक स्क्रू है। सो ये दो स्क्रू पहले खोल दीजिए और बाद में वो खोलिए, क्योंकि आप पहले वो खोलेंगे और बाद में पीछे से आप खोलने जाएंगे तो आगे वो गिर सकता है और डैमेज हो सकता है। सो हम पहले ये स्क्रू खोल, तो गाइस ये खुल गया है तो हम ये रख सकते हैं। तो गाइस आराम से खोलना क्योंकि इसके कोई लॉक टूटे ना, और हम लाइट की केबल निकाल लेंगे। तो देखिए हमने सिग्नल लाइट्स के केबल निकाल दिए दोनों, तो अब आप इन साइड में रख लेते। तो गाइस ये देखिए ये इग्निशन पॉइंट है। सो इग्निशन पॉइंट्स के जैसे मैंने बताया था अभी जुपिटर में 4 वायर्स दिए गए और बाकी सब जितने भी स्कूटीज है उसमें 2 वायर्स दिए, सो ये 4 वायर्स है, इसके लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो गाइस हमें बस आगे एक ही पॉइंट लेना है वो है इग्निशन, बाकी के सब पॉइंट्स, ये अच्छा है जुपिटर में कि आपको आगे बस एक ही पॉइंट लेना है और बाकी सब पॉइंट्स पीछे के साइड है। सो आगे लेने हैं यहाँ पर देखिए ये जो डैश है इसको मैंने खोल के इसके अंदर से पहले ही एक वायर निकाली है, क्योंकि इसको खोलने बहुत टाइम जाता है। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, तब तक आप मैनेज कर लेना। सो इसको खोलने में बहुत टाइम जाता है, इसके लिए मैंने पहले से वायर निकाल के रखा है। सो आप देख सकते यहाँ पर से, ये देखिए यहाँ पर अंदर से मैंने वायर निकाला है और ये वायर यहाँ से घूम कर यहाँ पर से निकला हुआ है। ये देखिए ये वायर यहाँ पर से निकला हुआ है नीचे से। सो ये वायर है मेन इग्निशन का, तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में। सो आपको पहले तो क्या करना है, आपको अपना सीडीआई ढूंढना है, सीडीआई यूनिट मीन्स। सो आप सीडीआई को ढूंढने का इजीएस्ट पे है, आप यहाँ पर अपना स्पार्क प्लग देख सकते हैं, ये स्पार्क प्लग है। तो ये स्पार्क प्लग से जो वायर जा रही है वो जा रही है इग्निशन कॉइल में। सो फिर इग्निशन कॉइल के ऊपर ही राइट है सीडीआई, ये देखिए ये हमारा सीडीआई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जो वाइट आपको दिख रहा है वो सीडीआई है, तो हमें वही बाहर निकालना है उसका पॉइंट। सो उसका पॉइंट मैं निकाल लेता हूँ। हाँ ये देखिए गाइस इसका पॉइंट मैंने निकाल लिया है। सो मैंने बहुत से इससे 3 वायर ज्वाइंट करके पहले से रखे, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या वायर है, आप ज्वाइंट कर लेना क्योंकि। सो गाइस आप आगे ये इग्निशन मैंने खोल लिया, आप देख सकते हो कि इग्निशन में एक वायर है ब्लैक एंड रेड, ये वायर ब्लैक एंड रेड। सो ये है नेगेटिव, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो एक वायर है ब्लैक एंड रेड। सो ये ही हमारे सीडीआई में लगने वाला है। सो इसका कनेक्शन ये जो ब्लैक एंड रेड है मैंने यहाँ से ढूंढते वहां तक गया और फिर मुझे मालूम पड़ा कि सीडीआई में कौन सा वायर लगा था। सो ये है सीडीआई का पिन, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखिए ये ब्लैक में रेड वायर, और आपको इजीली भी मिल जाएगा क्योंकि आप सीडीआई का कैप निकालोगे तो ये जो वायर है। सो गाइस ये देखिए, सो मैं आपको दिखाता हूँ यही है वो रेड में, आप देख सकते हैं रेड में ब्लैक वायर है जो अपने इग्निशन स्विच से लेके यहाँ तक लगाया है, फिर यहाँ से ये करंट जाता है सीडीआई में, सीडीआई से जाता है कॉइल में और कॉइल से जाता है स्पार्क प्लग में, तो हमारा स्पार्क प्लग स्पार्क करता है, तो गाड़ी चालू करने के लिए हमें ये ही मेन वायर है।
आप ऐसे यहाँ से अभी ढूंढते ढूंढते ऐसे जाइए, और ये वायर के आप दो पीस कर दीजिए। ये सिंगल वायर है, जैसे ये सिंगल वायर है, आप इसके दो पीस कर लीजिए। दो पीस करने के बाद एक पीस हो जाएगा मेन वायर जो कॉइल से, मेन वायर जो इग्निशन से आया, और दूसरा पीस हो जाएगा जो ऐसे लगेगा, और ये पीस मीन्स यहाँ से एक पीस आया, यहाँ से एक पीस आया। तो दो पीस से आप एक ब्लैक एंड रेड वायर ज्वाइंट कर सकते हैं, एक पीस को ब्लैक वायर, एक पीस को रेड वायर। हो गया। फिर आप जो यहाँ से एक वायर आया, वायर से और एक एक वायर ज्वाइंट कर लो। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो वायर, तीन वायर है। दो वायर यहाँ से जो आया है उसके लिए, और एक वायर यहाँ से जो आया है उसके लिए। गाइस आपको समझा होगा, नहीं तो मैं लास्ट में डायग्राम डालता हूँ और एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो इग्निशन स्विच से एक वायर आया है वो है ब्लैक एंड रेड। ब्लैक एंड रेड को आपको ये टेप खोलना है, ब्लैक एंड रेड रहेगा यहाँ पर। आपको ब्लैक एंड रेड को बीच में से, जैसे बीच में से कट कर देना है, और कट करने के बाद एक पीस बच जाएगा ये, और एक पीस बच जाएगा जो मेन आया है इग्निशन स्विच से। तो आपको ये करना है कि आपको दो वायर, दो सेम कलर्स के वायर, आपको समझने के लिए दो सेम कलर्स के वायर जो इग्निशन से मेन पावर आ रहा है उसको अटैच करना है, और जो यहाँ से एक वायर हमने कट किया था उसको एक वायर अटैच करना है। और ये भी समझाता हूँ ये दो वायर किसके लिए, ये सब लगने वाला है हमारा एक रिले आता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये दो वायर इसके लिए, इसमें से एक वायर जाएगा हमारे फ्यूज के लिए क्योंकि ये डायरेक्ट करंट आ रहा है। हमारे वायर शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, इसके लिए एक वायर जाएगा फ्यूज को, और ये दोनों कनेक्ट होने वाला है आगे जाके। अब हमें सबसे पहले करना है ये जो मैंने आपको बताया था, मैंने ग्रे वायर नीचे से ले लिया जो मेन है इग्निशन के लिए। अब हम ये इग्निशन पे लगा देते हैं सबसे फर्स्ट मेन वायर। तो हम इसको स्ट्रिप कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा लंबा स्ट्रिप करना है क्योंकि मैं आपको ये मेथड नहीं दिखा रहा हूँ कि आप वायर काटे फिर उसको ज्वाइंट करें, क्योंकि उससे हमारे जो स्पेयर वायर है वो खराब हो सकते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ जो सब भी करते हैं आजकल। तो इसको लंबा स्ट्रिप कीजिए, ये देखिए लंबा स्ट्रिप हो गया, ये स्ट्रिप। मैंने इग्निशन खोला है। ये देखिए इग्निशन में चार पॉइंट्स है, मैं आपको अच्छे से बता दूं, इग्निशन में चार पॉइंट्स है, एक है ब्लैक, एक है ऑरेंज और दो है रेड। तो मैं सबसे नीचे वाला जो रेड होगा, ऑरेंज के बाजू वाला, मींस ऑरेंज और रेड के बीच वाला रेड, तो उसमें आपको ये पॉइंट में डालना है अंदर। ये देखिए ऐसे अंदर हाफ डालना है, और हाफ ऐसे नीचे कर देना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट स्विच बंद कर देना है। तो ये हो गया आपका कनेक्शन इजीली। आपको कोई भी वायर कट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है इग्निशन का मेन वायर, इग्निशन का वायर कर लिया है। अब हम दूसरे सब वायरिंग करेंगे। अब हमने ये तीन ले लिया था, ये तीन को हमें वायरिंग करना है। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपको जैसे मैं बता रहा था कि इसके लिए अलग से हमें रिले लेना होगा। तो ये है दो रिले, ये है 5 पॉइंट और ये है 4 पॉइंट। हमें ये दोनों नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये लेना है 5 पॉइंट। मैं आपको फर्क, मैं भी पहले इससे ट्राई कर रहा था क्योंकि ये भी रूट्स कंपनी का है। मैं पहले इससे ट्राई कर रहा था, पर ये 4 पॉइंट है तो गाड़ी तो चालू हो जा रहा था पर बंद नहीं हो रहा था क्योंकि इसके लिए 5 पॉइंट चाहिए। 4 पॉइंट पर गाड़ी चालू कर रहा था, इसमें 5 पॉइंट, तो इसका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पावर सप्लाई बंद कर देता है और गाड़ी को बंद कर देता है। आपको 5 पॉइंट्स चाहिए, 4 पॉइंट्स नहीं चाहिए। 4 पॉइंट्स आप हॉर्न के लिए लगा सकते हो, हॉर्न का वीडियो भी मैं आगे बनाने वाला हूँ। हमें 4 पॉइंट्स चाहिए, तो 4 पॉइंट्स में हमें ये लगाना है वायरिंग। हमने जो रूट्स कंपनी के हमारे एंटी टेप में जो वायर हार्नेस मिला था, मैंने आपको बताया बहुत से कलर है, उसमें से हम ग्रे कलर ले लेंगे। ग्रे कलर को लंबा मैंने पहले से स्ट्रिप करके रखा है, आप भी स्ट्रिप कर लेना इसको लंबा, और इसको अच्छे से पतला पॉइंट कर देना आगे से। क्या ये इस रिले के, आप देख सकते हो ये रिले में आपको कितने सारे पॉइंट्स दिए। आपके पास इसका कवर नहीं होगा तो आप इसमें डायरेक्ट वायर, मेरे पास भी कवर नहीं है इसके लिए मैं डायरेक्ट वायर ही करूंगा। अब ग्रे कलर का वायर हमें करना है 68 नंबर पे। ग्रे कलर का वायर हमें करना है 68। 68 है ये फर्स्ट वाला, ये है 68 नंबर। मैं 68 में डाल लेना ग्रे वायर।
सो ऐसे डाल के इसको टाइटली घुमा दीजिए। इसको घुमा दिया अब हमने। सो देखिए आप, आपको अगर समझेगा नहीं नंबर्स, तब ये दो स्लीपिंग है और ये तीन स्टैंडिंग है। सो आपको स्टैंडिंग वाले के फर्स्ट राइट में डालना है ग्रे वायर हार्नेस का। सो अब इसके बाद हम लगाएंगे अर्थिंग। सो हमें अर्थिंग के लिए एक वायर चाहिए। सो मैंने एक ब्लैक वायर ले लिया अर्थिंग के लिए। सो अभी देखिए, ये जो स्लीपिंग है, जैसे कि मैंने बताया था, एक राइट वाला हमारा गैप फिल अप हो गया। सो ये जो दो स्लीपिंग है, उसमें से जो बीच वाला एक स्लीपिंग है, मीन्स ऊपर वाला, उसमें हमें एक वायर लगाना है। सो हम उसको लगा लेंगे, उसको भी पॉइंट कर देना। सो होल में जाके आप उसको टर्न करके पैक कर सकते हो। से होल में चला गया, अब इसको हम टर्न करके पैक कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। तो ये हो गया टाइट। और इसका जो सेकंड पॉइंट है, ये आपको किधर भी नहीं लगाना है, इसको आपको बस बॉडी पे किधर टच कर देना है, कोई भी नट में आप इसको फिक्स कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो मैं पहले इसके रिले के आपको वायरिंग दिखाता हूँ। सो अर्थिंग का हमने लगा लिया है, तो अब हम ये देखिए फिर से। सो अब हमारे दो गैप्स भर गए, एक बीच वाला स्लीपिंग और एक राइट कॉर्नर का स्टैंडिंग। सो देखिए आपकी तरफ से ऐसा होगा, ये स्लीपिंग और ये स्टैंडिंग। सो आपको जो लास्ट कॉर्नर का लेफ्ट वाला है, उसमें आपको फ्यूज लगाना है। और ये देखिए, आप एक फ्यूज ले लीजिए, फ्यूज खरीद लीजिए, 20 का भी चलेगा, 10 का भी चलेगा, क्योंकि इसको तो 7 का सपोर्ट करता है, तो आप कितने भी ज्यादा वोल्टेज का स्विच ले सकते हैं। और उसमें मैंने दो वायर को ऐसे लपेट के इसको टेप कर लिया है। सो आप इसका वन साइड आपको लगाना है इसके लेफ्ट वाले पे, इसके लेफ्ट वाले पे। सो हम इसको भी लगा लेते हैं पॉइंट करके। होल में हमने डाल लिया, अब इसको भी टाई कर देते इधर। तो इसको भी हमने टाई कर लिया। सो ये भी लग गया अभी हमारा फ्यूज का वायर। तो उसके सेकंड साइड पे क्या करना है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो अब ये जो सबसे नीचे लिए थे, ये तीन वायर लिए थे, तो जो वायर स्विच में से आता है ब्लैक वाला, वो वायर हम लगाएंगे इसमें। जो हमने तीन वायर लिया था, मैंने आपको बताए थे, जो इग्निशन कॉइल से और मेन इग्निशन स्विच से आ रहा है। सो इसमें से हम कोई भी एक वायर ले लेंगे रिले पे लगाने। सो मैंने एक वायर ले लिया है, तो हम ये रिले पे लगाएंगे। सो मैं आपको बताता हूँ रिले पे ये कहाँ पर लगाना है। सो धीरे धीरे हमारे सब पॉइंट्स फिल होते जा रहे, तो हमारे पास लास्ट दो ही पॉइंट बचे, एक है नीचे वाला स्लीपिंग और इसका मिड वाला स्टैंडिंग। हमें ये जो रेड वायर है, रेड वायर जो डायरेक्ट इग्निशन स्विच से आया है, इग्निशन की से, सॉरी। आपको ये लगाना है ये स्टैंडिंग मिड वाले पे। मैं इसको होल में से डाल देता हूँ। स्विच को अच्छे से पॉइंट कीजिए, तो जाएगा नहीं, क्योंकि मिडल में सो थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा। सो मैंने डाल लिया है फाइनली। सो इसको भी मैं टाई कर देता हूँ अच्छे से। सो अच्छे से मैंने टाई कर लिया। अब जो लास्ट बचा है, ये देखिए सब पॉइंट फिल हो गए। सो लास्ट बचा है, वो लास्ट वाले पे हमें स्विच का जो दूसरा मैंने आपको बताया था, वो जो तीन वायर निकले उसमें से ब्लैक वाला जो स्विच में से अटैच है, हमने काट के अलग किया था और एक में लगा दिया था रेड और एक में लगा लिया था ब्लैक। सो ये है वो ब्लैक और ये ब्लैक हमको लगाना है ये लास्ट वाले में। सो ये लास्ट वाले में इसको पॉइंट करके हम लगा लेते।
सो गाइस ये इतना हार्ड नहीं, वैसे तो आप सोच रहे होगे हार्ड है, सो हम वीडियो बना रहे, वो भी हम न्यू है यूट्यूब पे, इसके लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ नहीं। बाकी आगे आगे जाते तलक हम भी अच्छे से और अपने अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे से बनाएंगे। सो ये देखिए ये सब पॉइंट हमने फील कर लिया है, तो मैं आपको और एक बार फिर से बताता हूँ। जो ये नीचे से फर्स्ट स्लीपिंग पॉइंट है, ये है हमने स्विच में से काटा था स्विच वाला पार्ट, और ये जो सेकंड है उसके ऊपर वाला वो है अर्थिंग, मीन्स वो आपको बॉडी पे टच करना है। और जो ये फर्स्ट या से फर्स्ट ग्रे, ये है एंटी थीफ का वायर हार्नेस का ग्रे कलर, और ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला है जो हमने मेन सप्लायर से लिया था, जो जहाँ से करंट इग्निशन कॉइंट से करंट आ रहा है वहां से हमने लिया था। और ये जो लास्ट ब्लैक वाला है, ये हमने जो आपको बताया था जो फ्यूज हमने बनाया है, सो फ्यूज में ले लिया था। अब मैं आगे की वायरिंग बताता हूँ। सो ये कंप्लीट हो गया है, तो ये फ्यूज मैंने आपको बताया, तो ये जो फ्यूज है, तो ये फ्यूज को हमने दो वायर लिए थे ना, तो एक वायर तो रिले में लग गया, एक वायर रिले में लग गया, और ये फ्यूज, और दूसरे साइड का जो वायर है उसमें देख सकते हैं आप, मैंने कट किया है बीच में, तो ये कट किया है। सो वो जो थर्ड वायर था रेड वाला, हमें कट में लगाना है। जो थर्ड वायर था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंफ्यूज मत, तो ये मैंने फ्यूज के लिए लिया है, बाकी सब तो सेम है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, खाली मैंने एक स्विच के लिए लिया है। सो मैं इसके बीच में लगा दूंगा, सो मैंने लगा लिया। सो ये हो गया कंप्लीट, तो अब बचे हमारे पास ये वायर्स, वायर रूट्स के एंटी थेफ्ट के वायर हार्नेस, तो अभी ये मैं आपको बता दूंगा ये का का लगाने। जो वायर हार्नेस में दो येलो वायर है, वो दो येलो वायर आपके इंडिकेटर्स में जाएंगे, आप चाहे तो आगे के इंडिकेटर्स में भी लगा सकते हैं, पीछे के भी लगा सकते हैं, तो मेरा फुल सेटअप ही पीछे लगने वाला है, तो मैं ये पीछे के इंडिकेटर्स में लगाने वाला हूँ। सो भी इजी, आपको वायर काटना नहीं है कोई भी, आपको डायरेक्ट उसका इंडिकेटर्स का स्विच खोल के उसमें जैसे हमने इग्निशन में डाला था वैसे आप डाल दीजिए। सो ये जो ब्लैक वाला है जुपिटर में, सब मैं जो जो बता रहा हूँ आपके पास, जिसके पास जुपिटर सब सेम कलर रहेंगे। सो इसको मैं खोल लेता हूँ, सो ये मैंने खोल लिया है, तो आपको ये साइड वाले ये दो वायर्स है, सो आप राइट पॉइंट में तलना है और ऐसे नीचे कर लेना है, और सेकंड वाला आपको लेफ्ट पॉइंट में। सो आपको बीच में कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि बीच में अर्थिंग है, सबको लंबा लंबा स्ट्रिप्स करके इसको इसको भी पैक कर लेना है। ये देखिए सबको इसको पैक कर लेना है, सो इसको अच्छे से प्रेस कर लेके खुले ना। सो ये हो गया है। सो अभी देखिए हमारे वायर हार्नेस के, मैं आपको वायर्स बताता हूँ। सो हमारा दो येलो कंप्लीट हो गया है, दो येलो गया है इंडिकेटर्स पे, ग्रे भी कंप्लीट हो गया है, ग्रे हमारा चले गया रिले पे, सो अब बचे हमारे पास इतने वायर्स है। सो रेड वायर जाएगा हमारे बैटरी के पॉजिटिव पे, ब्लैक वायर जाएगा हमारे बैटरी के नेगेटिव पे, उसके बाद हमारे पास बचते हैं दो वायर, एक है ऑरेंज और एक है ब्लू। सो मैंने दो वायर इसके लिए बोले कि मैंने आपको पहले बताया था पिंक कुछ यूज का नहीं, अगर आप किधर भी लगाएंगे तो शॉर्ट हो सकता है। सो अब हमने तीन वायर कंप्लीट कर लिया है, अब मैं ये आपको चार वायर बताता हूँ। सो पहले मैं आपको रेड और ब्लैक वायर दिखा देता हूँ जो बैटरी पे कनेक्ट होने वाला है। सो हम रेड वायर ले लेते हैं, और देखिए बैटरी के पॉजिटिव पे भी आपको ऊपर लिखा गया है पॉजिटिव, यहाँ पर आपको पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पर आपको नेगेटिव का साइन है, और यहाँ पर एक रेड कलर का ये भी दिया है कवर, सो आपको आपको इंडिकेट हो सकता है कि पॉजिटिव है। सो इसमें स्क्रूज है, स्क्रूज भी है, और इसमें आप ये स्पैनर भी लगा सकते हो क्योंकि इसमें नट प्लस स्क्रू है, सो ये थोड़ा लूज कर लेता, बस आपको इसमें भी ज़्यादा भांडना नहीं है, आपको अटका के इसको फिर से टाइट कर देना है। सो देखिए ये मैंने अटका लिया है, अब बस मेरे को इसको सिंपली टाइट कर लेना है। सो ये हो गया टाइट। सो अब हम
नेगेटिव का भी सेम करेंगे, मींस हार्डनेस का ब्लैक वायर। सो ब्लैक वायर भी हम ले लेते हैं, पहले से मैंने स्टिक करके रखा है, सो उसको भी हम सेम कर लेते हैं। स्क्रू को लूज कीजिए और उसको बस अटका दीजिए, ये अटक गया और ये होगा स्क्रू टाइट। सो देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये दो वायर्स इंडिकेटर्स के हैं। सो हमने वो जॉइंट कर लिया, आपने देखा होगा। फिर ये ग्रे वायर है, ये हमने रिले में जॉइंट कर लिया और अब हमने ब्लैक ब्लैक और रेड हमने वायर जॉइंट कर दिया बैटरी पे। सो अब सिंपली हमारे पास पिंक को छोड़ के बचे दो वायर्स, वो है ऑरेंज और ये ब्लू। सो जो मैंने आपको बताया था जो मैंने इग्निशन स्विच से कनेक्शन लिया, सो कनेक्शन मैंने आपको बताया था मैंने नीचे से लिया, तो मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। सो उसका वायर है ये ग्रे वाला जो मैंने नीचे से लिया था। सो उसमें हमें कनेक्ट करना है ये ऑरेंज वायर, सो उसको कनेक्ट कर लेंगे। क्या पहुंच गए, सो इसको हम कट कर लेते हैं, इसको कट कर लिया और ऑरेंज को इसमें जॉइंट कर लिया। सो इसमें जॉइंट कर लिया, तो आप देख सकते हैं ये रिले में से हमने जो ये निकाला था फ्यूज, तो फ्यूज को हमने रिले में से जॉइंट किया, फिर रिले में से फ्यूज यहाँ पर आया, फिर यहाँ से दूसरा वायर गया और हमने जो वायर कट करके इसमें सीडीआई का वायर लगाया था, सो जो यहाँ पर जो एंड का वायर बच गया वो अब हमें इसमें ज्वाइंट करना है ऑरेंज वायर इग्निशन के, मेन इग्निशन के ऑरेंज वायर में। सो ये भी हो गया। सो हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास बचा है ब्लू वायर। सो ये ब्लू वायर इंजन स्टार्ट करने का काम करता है, तो हमें इसे स्टार्टर रिले में लगाना है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड पे ये है कवर के अंदर। सो ये कवर निकाल लेते, सो टाइट है, इसे कवर हमने निकाल लिया और ये देखिए जिप भी हम खोल लेते, सबको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिप खोल लिया, ये देखिए कवर के नीचे है हमारा रिले, स्टार्टर रिले जिससे हमारी गाड़ी को। सो गाइस इसका जो ब्राउन वाला वायर है, सो आप देख सकते हैं इसका जो ब्राउन वाला वायर है, ये वाला ब्राउन वाला वायर ये हमारे स्विच से निकला है, हम जो स्विच से सेल्फ मारते हैं उस स्विच से ब्राउन वायर निकला है, तो हमें जो ब्लू वायर है वो इसमें कनेक्ट करना है। सो इसे हम खोल लेते, तो ये देखिए गाइस ये भी एक रिले पर ही गाड़ी स्टार्ट करने में काम करता है और ये थोड़ा मीन्स हैवी पावर को सपोर्ट करता है, तो इसके लिए ये है स्टार्टर रिले। सो हम वो ब्लू वायर ले लेते जो लास्ट है, सो उसको हम भी पॉइंट कर लेते उसको भी। सो ये देखिए आप एक बार देख लीजिए ये कैसा लगता है और फिर देख लीजिए ब्लू अपना ब्राउन वायर कौन से साइड लगा, तो ब्राउन वायर इसमें लगने वाला है, तो मैं इसमें लगा लेता हूँ जैसे रिले में लगाया था वैसे, इसमें भी होल्स है। सो बस मैं इसमें टाई नहीं करूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा नीचे की तरफ, आप देख सकते कैसे छोड़ा है मैंने। सो छोड़ दूंगा ऐसे नीचे की तरफ और कवर लगा दूंगा, ये देखिए सो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगा। ये देखिए ये लॉक हो गया है, फिर से इसको कवर लगा देता हूँ। सो हाँ गाइस ये बहुत इजी है और हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। सो गाइस अब हमने सब इंस्टॉल कर लिया है, तो लास्ट में हमारा बच गया बजर। सो बजर अभी मैं किधर चिपकाने वाला नहीं हूँ, खाली आपको दिखाने के लिए मैंने इतने वायरिंग किए, क्योंकि मुझे ये सब वायरिंग हाइड करना पड़ेगा, तो खाली आपको दिखाने के लिए टेस्ट करने के लिए मैंने ये सब किया है। सो आप अपने तरीके से वायर भी आप अपनी गाड़ी के हाइड कर सकते हैं, बजर भी हाइड कर सकते हैं। सो मैंने ये बजर लगा लिया है, सो ये बजर का नॉइज थोड़ा ज्यादा है, सो इसके लिए मैं इसको उल्टा रख देता हूँ, सो ये ज्यादा नॉइज नहीं होगा। स्विच में हमने बजर लगा दिया और ये जो बड़ा वाला स्विच है इसमें जो हमने हारनेस सब वायर दे दिए हमने ज्वाइंट किया था, सो ये मेन हम इसमें लगा लेते। सो ये भी लग गया है, अब हम रिमोट से इसको टेस्ट करते, ये इसका रिमोट। सो ये देखिए ये लॉक था,
फिलहाल तो आपको दिखाने के लिए सेटअप लगा के रखा है, सो आप देख सकते हैं बहुत से वायर है। सो आपको ऐसे तो नहीं समझेगे, पर मैंने जैसे समझा वैसे समझ जाएंगे। सो मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा और वो भी आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से डायग्राम में भी। सो अब हम इसको चेक करते हैं, ये बराबर से इंस्टॉल हुआ है क्या नहीं। सो ये है रूट्स का रिमोट, देखिए रूट्स ऑटो, इसको ऐसे पीछे की तरफ ओपन हो जाता है और इसमें चार बटन है। सो फर्स्ट बटन है लॉक का, सेकंड बटन है अनलॉक का, थर्ड बटन है इग्निशन का, मींस गाड़ी चालू होएगा इसको दो बार क्लिक करने से, और फोर्थ बटन है अलार्म का। सो हम इसको चेक कर लेते, ये हो गया लॉक, ये हो गया अनलॉक, और ये दो बार टैप करने से गाड़ी चालू होगा, देखते हैं हम गाड़ी चालू होता है या नहीं। सो ये हमारी गाड़ी चालू हो गई, आप देख सकते हो। ये देखिए ये BS4 है, सो गाड़ी चालू हो गई, तो ऑटोमेटिक लाइट भी चालू हो गए, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि गाड़ी चालू हो गया है। सो अब हम इसको फिर से बंद करके ट्राई करते हैं। सो अनलॉक के बटन से गाड़ी बंद होता है, सो ये गाड़ी ऑफ हो गया है। फिर से हम आपको ऑन करके दिखाते एक बार, ये बटन को आपको डबल टाइम टैप करना है, सो गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गया है। सो गाइस अब हम गाड़ी बंद कर लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं लास्ट बटन। सो आपकी गाड़ी जैसे कोई पार्किंग में खड़ी हो या आपको, सो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक वायरिंग डायग्राम अपने वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगा, सो गाइस ये है वो वायरिंग डायग्राम और इसे मैंने ही बनाया। सो आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सो आप इसे पॉज करके भी देख सकते हो, और मैं वापस वार्निंग देना चाहता हूँ ये वायरिंग डायग्राम पर जुपिटर के लिए, अगर आपको आपकी गाड़ी के लिए चाहिए तो मुझे मॉडल कमेंट में लिख देना। सो गाइस आपको अगर मेरा ये एंटी थेफ्ट का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड स्पेशली सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन स्टे ट्यून एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। योर क्रेजी इंजीनियर साइनिंग ऑफ।